यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्जते सर्व संकल्प संन्यासी दोच्यते, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगा कहा जाता है न तो वो किसी भी काल में इंद्रिय के भोग में आसक्त होता है किसी भी काल में नहीं मतलब क्या उसकी इंद्रियां शब्द स्पर्श रूपरस को भोगेंगी नहीं अरे भोगेंगी ना पर भोगते समय भी वो निराशक्त रहता है आंख देख रही जीव खा रही स्वाद आ रहा सब हो रहा कानों में राग रंग भी आ रहे लेकिन वो आज सख्त नहीं वो गुलाम नहीं है वो किसी चीज है है नहीं है नहीं भोगी किसको कहते हैं भोग है तो बड़ा खुश है भोग नहीं है तो रोता है। योगी कौन है ध्यान से सुनना भोगी कौन है भोग मिले तो खुश भोग ना मिले तो दुखी और योगी कौन है भोग मिले तो भी खुश ना मिले तो भी खुश वो भोगों के अभाव से पीड़ित नहीं होता है हर हाल में खुश है संसार मिले तो नहीं मिले तो भोगी कौन है संसार मिले बड़ा खुश है और संसार ना मिले तो रोता रहते है। घर वाले दिख जाए बड़ा खुश घर वाले ना दिखे रोता रहते है। योगी कौन घर वाले सामने हैं खुश नहीं है सामने तो भी खुश जो स्वतंत्र है क्यों क्योंकि वह आत्मरामी है आत्मा से आत्मा में जिसको संतुष्टि है उसको कोई नहीं चाहिए कोई सहारा नहीं चाहिए वो बेसहारा जीता है वो बेसहारा देखा जाए बेसहारा कितना निर्दयी और गरीब सा और दुखी सा शब्द है पर हमने इस बेसहारा शब्द में एक अजब एक नया रंग भर दिया है बेसहारा जो हो वही सन्यासी है वही योगी किसी का सहारा नहीं चाहिए उसको दुनिया में किसी का सहारा नहीं चाहिए कोई कह सकता अच्छा उसको ईश्वर का सहारा भी नहीं चाहिए मैं कहूंगी नहीं चाहिए क्यों ईश्वर का सहारा लेने की तो बात ही नहीं उठती है जो तेरा ही भीतर है तेरा ही स्वरूप है उसका क्या सहारा लेना वो तो मिला ही मिला है वो दूर कभी होता ही नहीं तुम्हारी अकल बेअकल होती है तो ईश्वर दूर लगते हैं नहीं तो ईश्वर तो कभी भी तुमसे दूर नहीं ऐसे ही गुरु क्या गुरु का सहारा लेता है सन्यासी के नहीं लेता मैं फिर कहती हूं गुरु है ज्ञान ज्ञान कहाँ है तुम्हारे अंदर तो गुरु से तुम अगर तुम सच में गुरु से जुड़े हो तो तुम गुरु से कभी अलग हो ही नहीं सकता कभी नहीं हो सकता नेवर जिन्हें यह लगता है कि वो गुरु से अलग हो गए सच यह है वो गुरु से जुड़े ही नहीं थे जो जुड़ गया वो कभी अलग महसूस करता ही नहीं कभी नहीं करेगा देश प्रदेश नरक स्वर्ग कहीं उसको भेज दो भौतिक रूप से गुरु सामने हो न हो वो गुरु भाव में ही रहता है गुरुमय रहता है भगवान कहते हैं योगा आरूढ़ पुरुष के लिए संसार के भोगों में कोई आसक्ति नहीं होगी कर्मों में आसक्ति किस काल में बोले किसी काल में नहीं और सर्व संकल्पों का जो त्यागी है वही योगारूढ़ होता है अब देखिए इसमें कुछ बारीकियां हैं समझने वाली यदा ही नेन्द्रियार्थेशु जिस काल में जिस काल में तदा सर्व संकल्प सन्यासी उस काल में वो सन्यासी होता है मतलब जिस घड़ी भी ध्यान करते करते तुम उस जगह पहुंच जाओ जहां निरासक्त तो हो गए मन भीतर शांत तो हो गया सब संकल्प चले गए कोई विचार बचा नहीं उस घड़ी में तुम सन्यासी ही होते हो अब वो बात अलग है प्रारब्ध है जगोगे उठोगे कुछ खाने का पीने का सफाई का अब ये भी तो संकल्प ही है ना शिविर करें ये भी तो एक संकल्प है मैं यहां सिटिंग लेने आऊं ये भी तो एक संकल्प है तो सर्व संकल्प का अभाव है वही सन्यासी है प्रैक्टिकली देखा जाए तो सर्वसंकल्प का अभाव हो कैसे सकता है भूख लगना नींद आना भोजन करना चलना उठना बैठना सोना कोई भी हरकत ऐसी है जो बिना संकल्प के हो सके नहीं होती संकल्प के साथ ही होती पर फिर हम सन्यासी की इस परिभाषा में पूरे कैसे उतरे इसका मतलब क्या कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता या सन्यासी होने का मतलब पत्थर हो के एक जगह बैठ जाए कोई संकल्प ना उठे ना भूख ना प्यास ना नींद ना बोलना ना खाना ना पीना ना उठना ना चलना ना आना ना जाना इट इज नॉट वट दिस श्लोका इज से श्लोक ये नहीं कह रहा जिस काल में जब जब तुम ध्यानस्थ हो वो उस उस काल में अगर तुम निरासक्त और संकल्प रहित हो जाते हो तो उस काल में तदा सर्व संकल्प उस काल में तुम सन्यासी ही होते हो इसका मतलब यह हुआ कि थोड़े थोड़े -थोड़ देर के लिए टेम्परेरी एक्सपीरियंस सन्यासी होने का कभी कभी तो प्रसाद रूप से तुमको मिलता है क्या नहीं मिला अभी तक कभी क्या एक घड़ी ऐसी नहीं आई जब आपके दिल में ना आ सकती ना चाहत ना विचार शांत हो गया बस करना यह है कि इस निरापद इस निर्विचारिता को पूरे जीवन में फैला देना कि फिर ध्यान की घड़ी में जो मस्ती और जो बेपरवाही और निर्विचारिता हो रही हो वो तुम्हारी व्यवहार के काल में भी बनी रहे व्यवहार के समय पर लाना आना करना जो भी है संकल्प के साथ होगा पर उसकी जड़ में निरासक्ति बनी रहे निरासक्ति बनी रहे आसक्त ना हो चीजें मिलें भोगे आसक्त ना हो जुड़े नहीं अटैच ना हो रोने ना बैठ जाए मतलब तुम जहां रहो पूरे रहो पर भीतर से असंग रहो भीतर से असंग स्वार्थ कोई नहीं चाहत कोई नहीं उदरे दात्मनात्मनम नात्मान अवसादेत आत्मयी वात्मनो बंधुरात्मयी वरिपुरात्म उद्रे दात त्मनम अपने ही द्वारा अपना उद्धार करो आत्मन अपने द्वारा आत्मनम अपना आप का उद्धरेत उद्धार करें कौन करेगा उद्धार तुम्हारा गुरु ईश्वर ये नहीं कर सकते तू आप पे है तेन कौन छुड़ावे कौन बचा सकता है तुमको जब तुम फंसने की कमर कस के बैठे हो तो अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा गुरु बोल बोल के थक जाएगा एक दिन मर खप जाएगा तेरा क्या होगा तेरा तभी कुछ होगा जब तू अपने लिए कुछ करने के लिए संकल्पबद्ध होगा अपने द्वारा अपना ही उद्धार करे आत्मनम न अवसादयेत अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे अपने को नीचे कौन गिराएगा कोई और नहीं तू ही गिराता है दोष देता है माया पे दोष देता है समाज पे दोष देते हो दुनिया पे दुनिया ने भटका दिया याद रहे जब तक तुम भटकना ना चाहो तुम्हें कोई नहीं भटका सकता जब तक तुम उलझना ना चाहो तुम्हें कोई नहीं उलझा सकता भगवान कह रहे हैं तुम अपना उद्धार भी स्वयं कर सकते हो और अपना सत्यानाश भी तुम ही स्वयं कर सकते हो अब तुम्हारे ऊपर है अधोगति में जाना है उधर्व गति में जाना है उधर्व माने ऊंचे अधो माने नीचे कहां जाना है तुम तय करो तुम सोचो क्योंकि जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है आत्मैव त्मनो बंधु रात्म रिपुरात्मन तुम अपने बंधु मित्र भी स्वयं हो और तुम चाहो तो अपने ही शत्रु हो सकते हो जो आसक्ति में है वो अपना ही शत्रु है उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं उसकी आसक्ति उसको मारेगी जो सात्विक संकल्प वाला है वो अपना ही मित्र है क्योंकि वो अपना उद्धार करेगा तुम अपने ही बंधु हो सकते हो और अपने ही दुश्मन तुम क्या करोगे श्री कृष्ण कहते ये तुम्हारे ऊपर है मत सोचिए कि ईश्वर आपका उद्धार कर सकते हैं। बेचारे ईश्वर कुछ भी नहीं कर सकते मेरी नजर में तो ईश्वर नपुंसक सके वो कुछ नहीं कर सकता कैन नॉट डू एनीथिंग क्यों उद्धार करना या अपनी हानि करना ये जीव के हाथ में है ईश्वर के हाथ में नहीं है ईश्वर पीछे श्लोकों में आ चुका है ना ईश्वर कर्म करते हैं ना ईश्वर कर्ता भाव को बनाते हैं ना ईश्वर भोग की आसक्ति को बनाते हैं ये जीव खुद ही पैदा कर लेता है क्यों कर लेता है अंधा है मोह में है ज्ञान नहीं है इसलिए जीव के रूट में जीव की जड़ में अज्ञान है मोह है इसीलिए भगवान कह रहे हैं अपना उद्धार स्वयं करो उधरे आत्मनम अपना उद्धार स्वयं करो और अगर तुम अपना उद्धार नहीं करते हो तो फिर दूसरी बात तो अपने आप ही हो जाएगी वो करना नहीं पड़ेगा अधोगति में जाओगे फिर आ इधर यू गो और यू गो डाउन वेर यू वॉन्ट टू गो मेक अ डिसीजन ऊपर चलना है तो उसके साधनों को करो और ऊपर नहीं जाना है तो नीचे जाने वाले साधन तुम्हें करने नहीं पड़ेंगे वो तुम्हें पहले से ही आते हैं यू आर मास्टर ऑफ दैट क्रोध करना तुम्हें कोई सिखाता है नहीं वासना में पीड़ित होना कोई सिखाता है तुम्हें नहीं राग द्वेष करने की ट्रेनिंग किस स्कूल से तुम्हें मिली किसी स्कूल से नहीं ये मेरा है ये तेरा है मैं बड़ा हूं तू छोटा है ये ट्रेनिंग तुमको किसने दी किसी ने भी नहीं अपने आप से ही आती कितने होशियार हो या कहूं कितने बेवकूफ हो गिरने की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पर ऊंचे उठने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसी के वास्ते गुरु के संपर्क में रहना चाहिए गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए क्योंकि जो मैं देखती हूँ और वह ये है कि कल्याण संभव नहीं है जब तलक शिष्य गुरु के सानिध्य में रहते हुए साधना न करे जो ये सोचते हैं कि गुरु से ले लिया है ज्ञान अब ना अपने आप ही हम सब कुछ कर लेंगे अह ये बात निकली ही अहंकार से है कि हम अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे बीज की रक्षा बीज को रोपने जमीन में डालने बीज के अंकुरित होने उसके पेड़ बनने के इस पूरे काल में माली साथ में चाहिए जो ये सोचता है आप ही कर लेंगे वो पौधे या, बीज या तो अंकुरित नहीं होते हो जाते हैं तो कोई जानवर कुत्ता बच्चा कोई भी उसको तोड़ देगा खा जाएगा अंकुर पौधा नहीं बन पाएगा और जो पौधा नहीं बन पाया वो पेड़ नहीं बन पाएगा बाबा बुल्ले शाह ने कहा है माली बाग दी राखी कर ऐसे ही मेरा मुर्शद मेरे मन के बाग की राखी करता है और वो कहते मेरे मुर्शद ये बात तय है मैं नहीं मेरा सतगुरु ऊंचा तू ऊंचा है तू मेरा माली बन मेरी रक्षा करते रहना मैं बिगड़ूंगा तू संभालते रहना मैं गिरूंगा तू उठाते रहना कदम दर कदम तेरी जरूरत फिर कह दूंगा ये जरूरत तभी तक है जब तक शिष्य निरासक्त रूढ़ नहीं हो गया जिस दिन वो योगा रूढ़ हो गया उस दिन तो वो खुद गुरु हो गया उसके बाद से गुरु माली दूसरे पौधों के लिए अपना ध्यान देना शुरू कर देता एक दफे जो पौधा पेड़ बन गया अब माली को बाड़ बांधने की जरूरत नहीं है पर जब तक बीज अंकुरित ना हो पौधा ना बन जाए पौधा पेड़ ना बन जाए तब तक माली को तार बाढ़ करनी पड़ती और तार बाढ़ है तो वो सुरक्षित है और अगर तार बाढ़ टूट जाए पौधा गया मैं कहूंगी गुरु अपने आश्रम में यू समझो जिस जगह गुरु बैठता है वह आश्रम की जो चार दीवारी है वो एक तरह से तुम्हारी तारबाड़ होती ये बागुड़ हो गई तुम्हारी अब ये तुम्हें अब उस बागुड़ में जो तुम हो तो सुरक्षित हो तो सानिध्य में रहना आवश्यक है जब मैं कहती हूं, गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आंखें फाड़े दीदे खोले गुरु का चेहरा ही भर देखते रहे सानिध्य का अर्थ है कि तुम उसके ज्ञान को अपने जीवन में शब्द 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 अमल में लाने की चेष्टा करते रहते हो गुरु से प्रेरणा पा गुरु से ऊर्जा पा संकल्पवान होते रहते हो यू थिंक यू वरी अबाउट योर एवोल्यूशन हाउ टू गेट इवर्ल्ड शिष्य को यह चिंता रहे और वो गुरु के सानिध्य में गुरु की उपस्थिति में रहे देखिए ये जरूरी नहीं होता है कि सारे काम प्रवचनों को सुनने से हो जाते कुछ काम शिष्य के गुरु की उस हवा में सांस लेने से हो जाते हैं जिसमें वो सांस ले रहा कुछ काम गुरु के पास चुपचाप उपस्थित रहने से हो जाते गुरु की आज्ञा में रहने से हो जाते हैं गुरु के समक्ष हाजिर होने से रह जाते हैं सो मैनी वेज सो मैनी वेज विद विच द मास्टर कैन एलिवेट यू बट दैट इज ओनली पॉसिबल वेन यू आर प्रेजेंट वेन यू आर क्लोज टू योर मास्टर तो शिष्य के एक साधक के अंदर ये त्वरा ये पीड़ा ये प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं एक अपने गुरु को राजी रखूं, दूसरे निरंतर गुरु राजी रहेगा कैसे पैसा चढ़ाने से गुरु की तारीफों के पुल बांधने से गुरु जो कह रहा है उसको जीवन में लाने से बस इतने से काम हो जाता है तो ये चिंता रहनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए ऐसा कोई कार्य न वो करे जिससे वो अपने आप को गुरु से दूर कर ले का हज का समय है चल तुम्हें हज करा देते फकीर कहता है मुझे हज पे नहीं जाना लोगों ने कहा क्यों अरे हज तो करना जरूरी है हर मुसलमान के लिए हज करना जरूरी है और तेरे हज का सारा खर्चा हम उठाते चल बोले मुझे नहीं जाना क्यों बोले बात सिर्फ इतनी सी है तुम्हारा हज मक्के शरीफ जा करके होगा मेरा हज गुरु का दीदार करके हो जाता है बात खत्म तो? हज ही तो करना है ना मेरा हज यही हो जाता है लोगों ने कहा सारा शरीयत के अनुसार ये कुफ्र है ये क्या बोल रहा है तू बोले कुफ्र क्या मेरे लिए बेहोशी कुफ्र है मेरे लिए अपने पीरों मुर्शद से दूर रहना कुफ्र है खुदा ना खास्ता मेरे से ये कुफर हो जाए इस बात का ध्यान हो इस बात का ध्यान रहे कहते गुरु की ताबेदारी में रह गुरु अंगद देव कहा करते थे गुरु की ताबेदारी में रह गुरु बादशाहत देगा जाएगा तू सेवादार बन के निकलेगा तू बादशाह होके गुरु की ताबेदारी में रह उसकी नौकरी में रह क्या करना फर्ज है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान रहे इस बात का स्मरण रहे हमारे लिए क्या कीमती है हमें क्या चाहिए ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए शिष्य कहता है कि मेरे लिए बस एक ही चीज़ कीमती है कि मैं योगी जो है सन्यासी जो है अपने गुरु के करीब रहूं क्योंकि उसी से सीखूंगा उसके राज उसके रहस्य और वो बिना किसी स्वार्थ के अपने ये रहस्य मुझे देगा तुम अपने बैंक लॉकर का नंबर मुझे देते हो क्या तुम ना दोगे मुझे चाहिए भी नहीं पर मान लो अगर मैंने मांग ही लिया किसी दिन तो क्या करोगे यह हो सकता है तुम कहोगे जी आप साथ में चलो जरा मुंह उधर करो मैं खोलता हूं और फिर देख लेना और कहीं ले मत लेना तुम अपने धन का पता देते हो इतना कीमती है तुम्हें धन छुपाते हो खूब छुपाओ मिट्टी को छुपा के तुम्हें कुछ मिलता हो तो जरूर ले लेना और शिष्य चाहता है कि गुरु अपने खजाने को खोल के सिर्फ दिखाया ही नहीं उसको दे दे क्या ये छोटी बात होगी क्या गुरु वैसे ही दे देगा गुरु को भी देखना पड़ता है इसीलिए वो शिष्य की परीक्षा भी लेता है इसीलिए वो शिष्य के साथ भी रहता है कभी दंड कभी दंड कभी प्रेम कभी दुलार कभी तकरार कभी इनकार शिष्य का धर्म यह रहता है कि मुझे जहां से प्राप्ति होनी है मैं उस दर से कभी दूर ना हो जाऊं निकलते हुए चांद को देखकर फकीर ने कहा यह चांद चढ़ गया बाहर ईद हो गई फिक्र न कर जल्दी ही मेरे अंदर भी बुद्धत्व का चांद उगेगा रोशन करेगा आई विल गेट इल्यूमिनेटेड चाणु वे चन्ना वे तुकार रोश चन्ना वे तुकार मेरा चंद भी चढ़ेगा सयो दर मुर्शद दा ते आशिक सजदे कर दे जिथे मज़हब जाए के रल दू अफ अला ਫੀਅਜ਼ਬਾਬ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹਰ ਬੂਟੇ ਹਰ ਜਾਈ इस मंजल नो इश्क पहुंचावे ते ईमान नो खबर ना काई

Hi.